ओम शांति। 21 अगस्त 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। हम सभी प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो सवेरे शाम और रोजाना के लिए एक ही लिंक है। आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं जब भी आपको समय मिले। यदि आप नहीं जुड़ पाते हैं किसी भी कारण से, जब भी मुरली पढ़ते हैं आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है या आपके मन में कोई सुझाव आता है तो अवश्य इसी वीडियो में सामने आप एक नीचे चलती हुई लाइन देख रहे हैं, उस पर आप भेज सकते हैं। लिंक आपका काम नहीं कर रहा है, लिंक नहीं चल रहा है, तो भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। एक जर्नल लाइट हाउस होता है और एक चैतन्य लाइट हाउस होता है। चैतन्य लाइट हाउस हम हैं, तो जल लाइट हाउस क्या है? जो पानी के जहाज को ये बंदरगाहों पर विशेष रूप से बहुत ऊंचा एक टावर बनाया जाता है, जिसमें बहुत तेज लाइट जो चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे आपने रेड लाइट वाली गाड़ी देखी होगी, उसमें रेड लाइट घूमती रहती है, ऐसे ही वो व्हाइट लाइट चारों तरफ या येलो लाइट चारों तरफ से जो है ना उसको घुमाते रहते हैं, क्योंकि वो दूर से दिखाई देती है, उसको फॉग लाइट भी कहते हैं, और वो बहुत तेज होती है। तो उससे कि ना उनको पता लगता है कि उधर बंदरगाह है और हम उसी तरफ जा रहे हैं। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस और वो है जड़ लाइट हाउस, जो बंदरगाह दूर दूर तक जहाजों को गाइड करता है। ऐसे आप आत्माओं ने दूर दूर तक आत्माओं को गाइड करना है। कहां के लिए? सबको बाप का परिचय देना। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, वो बंदरगाह का परिचय देते हैं, और आप उनको किसका देते हो परिचय? बाप का परिचय, घर का रास्ता बताते हैं। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? कौन सा डायरेक्शन, पहले तो नई बात है ढूंढने वाली, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? ऐसा कोई डायरेक्शन है जो अनेक आत्माओं को, और विधि भी बतानी है बाबा। किसका खुला हुआ है माइक? किसका, किस विधि से और कौन सा डायरेक्शन अनेक आत्माओं को, सब आत्माओं को नहीं कहा है बाबा ने, अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा
तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, ये तुमको वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये संदेश सबको, ये इशारा उनको कैसे मिलेगा, किस विधि से मिलेगा? ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है, जैसे आदि में साक्षात्कार का पार्ट चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। जो आदि में साक्षात्कार चला था, जो भी ब्रह्मा बाबा के पास आता, उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता था, ब्रह्मा का साक्षात्कार तो नहीं होता था। बस वो कृष्ण को देखते थे और पागल हो जाते थे, भगवान आ गया भगवान आ गया भगवान आ गया। सारे काम धंधे छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, घर छोड़कर, भागकर सारे वहां आ गए। बस आए और ध्यान में चले जाते, आते और ध्यान में चले जाते, बस उनका जीवन बदल गया। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। भाई जी, जो शुरू में ये पाठ तक वो साक्षात्कार का पाठ चला, कितने बार चला ये पाठ? शुरू शुरू में बस चला, साल कहो, डेढ़ साल कहो, दो साल कहो, परंतु ध्यान का पाठ, फिर इसके बाद ध्यान का पाठ चला, फिर साक्षात्कार का पाठ नहीं चला। फिर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो ब्रह्मा बाबा सबको दिखाई दिए, सारे वर्ल्ड के अंदर सेवा करने का काम प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त होने के बाद विदेशों में उनको दिखाई दिए। उन्होंने आकर सेंटर में पूछा कि ये बाबा कहाँ है? बोले क्या हुआ? क्योंकि ये बाबा हमें बुलाकर लाए हैं, क्या आप उधर चलो। ऐसे अनुभव वहां आकर के वहां सेंटर्स पर मिले कि ब्रह्मा बाबा उनको सेवा केंद्र तक बुलाकर लाने के निमित्त बने, जबकि इधर अव्यक्त हो चुके हैं ब्रह्मा बाबा। तो ये बीच में पाठ चला जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। जब अंत आएगा तब भी ये पाठ चलेगा कि सबको किसका साक्षात्कार होगा? श्री कृष्ण का साक्षात्कार और ब्रह्मा का साक्षात्कार। कौन कराएगा? साक्षात्कार की चाबी किसके पास है? शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास है, वो सबको साक्षात्कार कराएगा। अब मुरली तो सुनाएगा नहीं, पर साक्षात्कार का तो काम करेगा ना। तब साक्षात्कार हुआ और उसको आगे बाबा हमें समझाते हैं कि अब किसी को देखने से किसी को क्या फायदा होता है। आपने कृष्ण को देख लिया, राम को देख लिया, या किसी भी इष्ट देव को देख लिया, देखने से क्या फायदा होगा? फिर क्या चाहते हैं साक्षात्कार में? भाई जी, अब का साक्षात्कार तो बुद्धि से समझ में आता है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ये साक्षात्कार बच्चों ने कराना है। जिनको ये ज्ञान समझ में आ गया है, वही बच्चों बच्चे सबको परिचय कराएंगे
कि ब्रह्मा कौन है, श्री कृष्ण कौन है, उसको बाबा कैसे समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सब तो नहीं पूछ सकते। नलनी बेटी से पूछते हैं कि यहां क्या कर रही हो, नलनी बहन को कौन कौन जानते हैं? नलनी बहन को कोई जानता है आप में से? हाँ जी भाई जी, शिव बाबा ही तो। नहीं भाई, नलनी बेटी बोला है, शिव बाबा का क्यों बात कर? नलनी बहन, नलनी बहन बाबा की बेटी। नहीं देखा नलनी बहन को? ये मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं नलनी बहन दिखाऊं। आइए कैमरे में। हाँ जी भाई जी, आप दिखाई दे रहे हैं भाई जी। ये है हमारी नलनी बहन और ये बॉम्बे में रहती है, ठीक है। और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी है और ये बहुत छोटी उम्र में आती थी और बाबा ने इनको क्या बोलते हैं, मुख कहते ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, दान दीजिए कि तीन बंदर। हाँ, वहां बंदर की जगह नलनी बेटी को बिठा के फोटो खिंचवाए थे और इनके फोटो वहां लगे हुए, ठीक है। और इनके पिताजी पहली बार यज्ञ में टेप रिकॉर्ड लाके दिया था जिससे बाबा की मुरली टेप रिकॉर्ड याद करके सबको सुनाता था। और बाबा कहते थे कि ये टेप रिकॉर्ड जो है बच्चों से भी अच्छा है, कुछ भी छोड़ता नहीं, पूरा याद रखता है और बच्चे सुनते हैं कुछ भूल जाते हैं। टेपर बहुत अच्छा है ना, ये उस टाइम नया नया आया था और ये टेप रिकॉर्ड लेकर के आए थे अपनी बिटिया के साथ और बाबा के बच्चे बन गए, आए थे गिफ्ट करने और खुद ही गिफ्ट हो गए। युक्तियां बाबा के पास बड़ी अजीब है। खैर, यहां नलनी बहन है? हाँ अभी है, बंबे में रहते हैं। हाँ जी, तो कि यहां क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की। सिर्फ कुछ कह रहे हैं बाबा, देखो क्या कह रहे हैं, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है ना, हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु का इसको स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। सुदर्शन चक्र का अर्थ भी बाबा ने समझाया है, स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ, 84 जन्मों के चक्र का,
तो वह चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो हम 84 का चक्कर लगाकर फिर घर जाएंगे, 84 का चक्कर लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्कर लगाएंगे। अब विष्णु को कोई चक्कर होता नहीं, ये बात क्या कहना चाहता है बाबा? हम चक्कर लगाते रहेंगे और विष्णु का कोई चक्कर ही नहीं है। विष्णु तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। विष्णु को सुदर्शन चक्र भी दे दिया है, हमारा एम ऑब्जेक्ट है, तो एम ऑब्जेक्ट कुछ घूमना फिरना चाहिए कि नहीं? नहीं घूमना चाहिए उसको भाई जी। हाँ जी, हमारी ऊंची अवस्था है भाई जी। विष्णु हमारी ऊंची अवस्था है, ऊंची से ऊंची अवस्था है। अब विष्णु को हम अवस्था भी नहीं कह सकते, क्योंकि विष्णु कृष्ण भी बना तो विष्णु, राधा भी बनी तो विष्णु, और वहां के सतयुग के आदि में आने वाली प्रजा भी बनी तो वो भी विष्णु बनी, दास दासियां बनी तो वो भी विष्णु बनी, नौकर चाकर बने तो वो भी विष्णु बने, तो क्या अवस्था है वो? उसको हम अवस्था, हाँ जी, नेचुरल अवस्था नहीं, उसे हम नेचुरल अवस्था नहीं कह सकते। नेचुरल अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, वो हमारी सतयुग में सॉरी परम धाम में नेचुरल पवित्रता होती है, जो है वो वही के वही रहती है। परंतु यहां तो ये है कि सभी विष्णु चतुर्भुज बनेंगे, परंतु जितना वो विष्णु चतुर्भुज चारों अलंकारों को जितना धारण करेंगे, हर एक की मेरिट अपनी अपनी होगी। जो भी सतयुग में जाएंगे वो लक्ष्मी या नारायण बनेंगे, उससे पहले वो विष्णु चतुर्भुज बनेंगे। अब कौन सा अलंकार उनका काम है ज्यादा है, जिसके कारण वहां उनका पद निश्चित होता है? विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, अब कहने के हम कुछ भी कहते, विष्णुपुरी को लक्ष्मी नारायण पुरी कह दिया, क्योंकि विष्णु बनना माना या तो वो लक्ष्मी के रूप में जन्म लेगा या नारायण के रूप में जन्म लेगा। जैसे ब्रह्मा विष्णु बनते ही श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, जब वो परम धाम जाके वापिस आएगा तब वो नारायण कहलाएगा। हाँ जी, ये मुरली बाबा ने कहा कि विष्णु तो सतयुग का देवता है, विष्णु वह तो है सतयुग का देवता, विष्णु सतयुग का देवता होता। किसने कहा? ये बाबा अभी दो लाइन पूरा देखो, विष्णु को कोई चक्कर होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णु को कोई फिर 84 का चक्कर लगाएंगे, विष्णु को कोई चक्र भी फिराना पड़े, विष्णु को कोई चक्कर होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। ठीक है, विष्णुपुरी को या लक्ष्मी नारायण की पुरी को इस लाइन में है। हाँ, परंतु बात सारी ये है कि विष्णु कहा, परंतु विष्णु को हम जानते हैं कि यहाँ विष्णु नारायण के बारे में कितना कंफ्यूजन है, वो सारा कंफ्यूजन हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। हम सारे भ्रम से उठे हुए हो तब हम मुरली को समझे ना, ठीक है? अब विष्णु को हम आज तक सुनते हैं कि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, दो हाथ लक्ष्मी के हैं, दो हाथ नारायण के हैं। अब ये सिर्फ नए भगत बच्चों के लिए लाइने हैं, हमें बता दिया कि विष्णु को है ही नहीं,
ऐसा कोई होता ही नहीं जो चार हाथ लेकर के खड़ा रहे। जिसके खुद के चार हाथ हो तो उनके बच्चों के भी तो फिर चार हाथ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ ये तो है। फिर वो चारों हाथों में चार अलंकार पकड़ के खड़ा रहेगा, क्या करता है वो उसको? फिर विष्णु को ना तो शंख की जरूरत है, ना चक्र की जरूरत है, ना गदा की जरूरत है, ना उसे कमल फूल की जरूरत है। किस लिए पकड़ के खड़ा है वो? फिर कहा ये बच्चे अलंकार तो तुम्हारे हैं, परंतु उसको दे दिए। किस लिए दे दिए? तुम्हारे आगे खड़ा करने के लिए। फिर कल्प वृक्ष के ट्री के अंदर दिखाया कि ये जो है ना तुम्हारे बीच में खड़ा कर दिया है इसको। यदि मैं इसको तुम्हारा मुंह इसकी तरफ करूं तो तुम्हारी पीठ हो जाती है, और इसको तुम्हारे सामने खड़ा करूं तो इसकी पीठ हो जाती है, इसलिए इसको बीच में खड़ा कर दिया है। ये सारी बातें एक साथ बुद्धि में आ जानी चाहिए, क्योंकि हम इन सब बातों को जान चुके हैं। जिन्होंने नहीं जाना वो तो भ्रमित रहे, हम क्यों भ्रमित रहे? ना वो तो ठीक है भाई जी, लेकिन तुमने कहा ना कि देवता है विष्णु, तो देवता तो है नहीं ना वो, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ विष्णु कोई देवता नहीं है, विष्णु को है ही नहीं। तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों कोई है ही नहीं। यही क्लियर करना था। प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ है, जो ब्रह्मा का प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बाकी कोई ब्रह्मा नहीं है जो ऊपर बैठा हो, दाढ़ी वाला हो, सिर पर मुकुट पहने हुए हो, चार हाथ अलंकार ले पकड़े बैठा हो, ऐसा दाढ़ी वाला कोई ब्रह्मा होता नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कभी दाढ़ी नहीं रखी। ब्रह्मा बाबा ने कभी दाढ़ी नहीं रखी, इसलिए दिखाया कि ताकि दुनिया वालों को लगे कि वो ब्रह्मा बाबा यही होगा, दाढ़ी वाला भी ब्रह्मा, दाढ़ी भी उसके साफ रख पाइए। वे चक्र भी फिराना पड़े, तुम जानते हो हम 84 का चक्कर लगाकर घर जाएंगे, हम 84 जन्म पूरे करके घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाट बजाने के लिए। परम धाम से जाने के बाद जो भी आत्माएं आती है पाठ अनुसार, जिनका पाठ सतयुग में है वो सबसे पहले सतयुग में पाठ बजाने के लिए आएंगे, क्योंकि जिनके 84 जन्म है वो सतयुग के आदि में आएंगे ना, जिनके कम है वो लेट आएंगे। भाई जी सबके 84 जन्म है ये कैसे? नहीं सबके नहीं होते 84 जन्म भाई, जिनके 84 जन्म है वो सतयुग के आदि में आएंगे, जिनके कम है वो उतना लेट आएंगे, जिनका एक जन्म कम है वो 150 साल लेट आएगा। पहले 150 साल, 150 साल की एवरेज एज है। जिसके 2 जन्म कम हो गए वो 300 साल लेट आएगा, जिसके 8 जन्म कम है तो वो 1250 साल के बाद ही आता रहेगा, 1730 में ही आएगा, वो सतयुग में आएगा ही नहीं। ये तुम्हारा उन बच्चों के लिए जो उस समय बाबा के सामने बैठे थे ना, अब आप कोई बाबा के सामने थोड़ा बैठे हुए थे जो आपके 84 जन्म हो जाएंगे। कोई एक आधा केस हो सकता है ऐसा ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने उंगलियों पर गिने जाने वाले भाई बहन थे, गुनु थोड़े से सेंटर थे, थोड़े से भाई बहन होते थे। मतलब कहने का है कि बेशक वहां रहे हो, जब किसी हम रोक नहीं सकते, किसी को हम निर्णय नहीं दे सकते कि आप वहां नहीं थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, परंतु वहां तो हाँ जी 32 साल पहले भी किए तो ज्यादा तो होंगे। इस बार तो 62 साल हो गए। हाँ जी, जिनके जन्म कम होंगे तो उनको ज्ञान भी ऐसा है क्या कि देर से समझ में आएगी? उनको कम ज्ञान समझ में आएगा तो ऐसे 64 साल हुए हैं मान लिया उस टाइम ना हो, अब 83 तो जन्म मान लो, अगर अब भी ऐसे हो लो तो 64 साल हुए। किसको 64 साल हुए? 1969 में ब्रह्मा बाबा 1969 में थे,
पैंसठ साल हो गए ना उस बात को, हाँ, तो मान लिया चलो फर्स्ट में ना हो तो 83 जन्म तो फिर भी बनते हैं जो आप सुन रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसा 83 बने 82 बने 80 बने वो हर आत्मा का अपना पार्ट है, अपने पार्ट के हिसाब से, क्योंकि मैं तो हम ये निर्णय नहीं कर सकते। अब इस समय जब कि सत्य के आदि में मतलब पहले पहले जन्म लेने वाले 108, 16,000, 9 लाख, अब कहां तक होंगे ये पता नहीं है ना, क्योंकि वो 9 लाख में कौन आत्माएं आएंगी जो आत्माएं पूरा पवित्र बनी होंगी। और सतयुग के अंत तक 1250 साल में 2 करोड़ आत्माएं आएंगी। संगम युग 100 साल का है, 100 साल के अंदर भी लगा लो 83 तो बनते ही हैं जो खूब वो करेंगे, परफेक्ट बनेंगे अपना। भाई हमारा ये बहस का विषय नहीं है, बहस का विषय नहीं है क्या हम 83 बने 80 बने 82 बने। अब हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपके 84 जन्म नहीं है। परंतु ये मुरली जिस समय चली उस समय बहुत थोड़े से भाई बहन थे, वही सामने बैठे थे और उनको बाबा समझते कि इनके 84 जन्म होंगे, उन्होंने उसी प्रकार से 84 जन्म कहा है नहीं। तो उनको उसके बाद जो है ना, अब इतने सारे बच्चे बाबा के आ गए और सारे ज्ञान सुनने वाले और सारे कितना ज्ञान लेते हैं, कितनी धारणा करते हैं, कैसा बनते हैं, वो हर एक का अपना पुरुषार्थ है। क्योंकि अकाल मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि हम किसी के बारे में नहीं जान सकते कि वो अपने अंदर कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कि योग तो हर एक के अंदर की बात है, वो अपने आप में जान सकता है कि मैं कितनी धारणा करता हूँ, कितना योग यात्रा पर बढ़ता रहता हूँ, ये हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। फिर 84 का चक्र लगाएंगे, विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वे तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं, अब क्या करोगे? राधे कृष्ण का राज्य सत्स्वर्ग में सतयुग में नहीं है, और जबकि हम ये जानते हैं कि राधे कृष्ण का जन्म सतयुग में हुआ, हम ये जानते हैं कि राधे कृष्ण का जन्म वैकुंठ में हुआ, परंतु वो वैकुंठ कहां चला गया? संगम संगम युग में चला गया, वो वैकुंठ संगम युग में चला गया। और वो संगम युग का जो वैकुंठ है वो पहला जन्म है, वो पहला जन्म है जिनका वहां जन्म हुआ। भाई जी, संगम के जो सतयुग का जन्म है उसे ही तो आदि का जन्म बोलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने वहां जन्म लिया और शरीर बड़ा करके फिर घर जाके वापिस आकर अपना शरीर पहनकर खड़े हो गए। राधा कृष्ण जब ब्रह्मा विष्णु बना तो उसने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। 30-35 वर्ष का शरीर छोड़कर वो जाता है और वापस आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ा हो जाता है, और बाकी वो आत्माएं भी जो उनके साथ आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाती, और सतयुग का वन 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 शुरू हो जाता है। राधे कृष्ण का राज्य तो होता ही नहीं है, राधे कृष्ण का तो विवाह भी नहीं होता है। विवाह किसका होता है? लक्ष्मी नारायण का होता है, जब राधा कृष्ण बड़े हो जाते हैं। क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस हैं,
राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। और स्वयंवर कब होता है? घर जाके आने के बाद उनके माँ बाप आते ही नहीं, तो स्वयंवर कौन कराएगा? अब हम स्वयंवर का अर्थ भूल भाल गए थे। हम पता नहीं क्या समझते थे कि राजा बैठेगा, बाप बैठेंगे, ढेर सारे राजा आएंगे और लक्ष्मी जो है ना माला वरमाला लेकर घूमेगी, कौन सुंदर है थर्मामीटर लेकर घूमेगी कि कौन अच्छा है और उसके गले में डालेगी। अभी इतनी देर में कोई सामने ढेर सारे लड़के बिठा दिए जाए, पागल हो जाए किसी को चुनना पड़े तो। स्वयं और वर, ये दो शब्द मिलकर बनता है स्वयंवर। सचिव में स्वयं अपना वर चुनते हैं। सामने देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है स्वयं वर, स्वयं अपना वर चुनना। तो वहां पर माता पिता कोई दूसरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ा था। आंख न जाने दिल पहचाने और अपना वर चुन लेते हैं, अपना राजा चुन लेते हैं। कोई मिनट नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता, बस क्योंकि यहां से वो पालना, वो सेवा, वो प्यार, वो सहयोग, वो श्रेय लिया है, उसे रिटर्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उपस्थित होना। विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र है तुम्हारा, क्योंकि तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना तुम सुदर्शन चक्र चला के अपनी बुराइयों का गला काटते हो, कमल फूल समान पवित्र बनाते हो, शंख बजाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनते हो और गदा लेकर हर वक्त अलर्ट रहते हो कि कोई भी विकार मेरी तरफ बढ़ने की हिम्मत ना करे। तो यहां जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो, एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करना है। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है, अब ये अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक में नई दुनिया को कोई जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहां तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं, वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे, अभी जाते हैं गर्भ जेल में। अभी कोई भी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो कहां जाएगी? गर्भ जेल में। वहां तो गर्भ महल होता है, वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहां तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, तो फिर पाप शुरू कर लेते।
फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहां तो दुख ही होता है, यहां तो दुख ही होता है, और वहां दुख का नाम नहीं, वहां दुख का नाम ही नहीं। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भव तुम या जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वे ज्ञान तो नहीं है ना। तुम कितना भी जप तप आदि करते आए हो, परंतु वे ज्ञान तो नहीं है ना। कौन सा ज्ञान नहीं है? सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान नहीं है। जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु ये नहीं मालूम कि हम आत्माओं का पिता परम आत्मा कौन है। शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है? कैसे हम शांति धाम में जाते हैं फिर सुख धाम में आते हैं? ये कोई किसी को ज्ञान नहीं था। वे है भक्ति, उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती, उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है श्री कृष्ण भगवान वाच, देह सहित देह के सर्व संबंधों को त्याग, मामेकम याद कर। ये गीता के अक्षर है, दुनिया वाली गीता के अक्षर है। जो ब्राह्मण बैठ पढ़कर सुनाते हैं, ऐसे नहीं कहते कि तुम कृष्ण बनो, तुम नारायण बनो, ऐसे नहीं कहते। सिर्फ पढ़ते हैं और कहते हैं भगवान ऐसे कहकर गया है, भगवान ऐसे कहकर गया था। जब आया था पतितों को पावन बनाने, सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यदि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था तो वो गीता का ज्ञान द्वापर में दिया गया, गीता का ज्ञान कहां दिया गया? द्वापर में दिया गया, दुनिया वालों के हिसाब से। अब द्वापर में किसको पावन बनाया? यदि द्वापर में उन्होंने पतितों को पावन बनाया तो फिर घोर कलयुग क्यों आया? फिर तो सतयुग आना चाहिए था ना। कृष्ण गोरा कब था, कृष्ण काला कब बना, ये भी नहीं जानते। किसने गोरा बनाया, कैसे फिर वो काला बन गया, अब श्री कृष्ण तो रथ ही है, रथ को चलाता है, उनको रथ चाहिए? पूछ रहे हैं, उनको रथ चाहिए क्या? वे तो खुद देहधारी है। शिव बाबा के पास रथ नहीं है, उसे रथ चाहिए। परंतु श्री कृष्ण का रोल बजाने वाले को रथ की जरूरत,
वे तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं, बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है, वो भी नाम किसने रखा? कहा जाता है तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता रहता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वो सदा शिव ही है। बुरी, बुरी कहा जाता है बिंदी को। बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। मराठी भाषा में बिंदी को कहा जाता है शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा कैसी है? बिल्कुल सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है कि हम उसे इन आंखों से तो क्या, किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो किसको समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या? देवी आ गई है, आपने देख लिया, क्या अब? क्या आपको फायदा हो गया? प्राप्ति तो कुछ नहीं। अर्थ नहीं है, सिर्फ नवधा भक्ति का कि दर्शन किया तो उससे ही खुश हो जाते, बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है। वे है सब भक्ति मार्ग, यहां ये है ज्ञान मार्ग, यहां ये है ज्ञान मार्ग। यहां अक्सर करके साक्षात्कार होता है किसका? ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। कौन साक्षात्कार कराएगा? शिव बाबा। हम क्या करें? चाबी शिव बाबा के पास, हमें दे देवे तो हम सबको करा देंगे ना? नहीं, ब्रह्मा बाबा को चाबी नहीं देता।
हम कह के अपना मुंह क्यों खराब करें? ठीक है ना? सब भक्ति मार्ग, वो सब है भक्ति मार्ग जहां पर देवी को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। यहां है ज्ञान मार्ग। कुछ फर्क होता है क्या भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में? भक्ति मार्ग तो विश्वास है। भक्ति मार्ग में उन्होंने देवी का दर्शन किया तो खुश हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में कुछ प्राप्ति नहीं है, ज्ञान मार्ग में प्राप्ति है। फिर इसका साक्षात्कार से क्या दिखा रहे हैं? ये कहते हैं ये वो भक्ति होती है दिल खुश करने के लिए बस। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति तो की तो बात ही नहीं है भक्ति में। यहां ये है ज्ञान मार्ग, यहां अक्सर करके साक्षात्कार होता है, यहां साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में सब समझ में आता है, भक्ति मार्ग में कुछ समझ में नहीं होता, बेसमझ होते हैं। तो यहां साक्षात्कार हुआ है आपको? हुआ है। क्या साक्षात्कार हुआ आपको? बाबा ने जो कुछ भी पढ़ाया वो समझ में आया। मुझे कुछ एक आधी चीज जो आपको दिखाई दी हो बताओ। अपने आप को आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे पिता है। आपको कैसे पता लगा मैं आत्मा? आत्मा को कोई देख ही नहीं सकता। बुद्धि से समझ में आया है ना। अच्छा, इनको बुद्धि से समझ में आ गया है। बुद्धि से समझ में आ जाए वो साक्षात्कार हो जाता है। समझ में आना ही साक्षात्कार है। समझ में आना ही साक्षात्कार है। तो जो हमें समझ में आ गया है अब वो हमने सबको समझाना है। ये बात है, ये चाहता है बाबा। मुझे तेन का चित्र भी दिख जाएगा तो क्या समझ में आएगा? कौन सा चित्र दिख जाएगा? कोई देवी का या कुछ भी दिख जाएगा तो क्या समझ में आएगा मुझे इससे? अच्छा, अब आपको जितना जितना साक्षात्कार हुआ है क्या वो दूसरों को साक्षात्कार करा सकते हो? हाँ करा सकते हो। फिर तो काम हो जाएगा। नहीं, जितना हमें समझ में आ गया है वो हम औरों को समझा दें और वो समझ जाए कि अब परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा पढ़ा रहा है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहा है। यही ब्रह्मा ही संपूर्ण बनने पर विष्णु व श्री कृष्ण बन जाता है। शिव बाबा आकर काले कृष्ण को गोरा बनाते हैं और गोरा कृष्ण 5000 साल में पूरा चक्कर लगाकर फिर तमो प्रधान पतित काला बन जाता है। परमात्मा शिव आकर उसे गोरा बनाते हैं, वो काला बन जाता है। काला कैसे बना? 5 विकारों रूपी सांप ने, सांप कहा जाता है देह ने, जहर छोड़ा और काला हो गया। कहां गिरा? काली देह में गिरा, पतित शरीर में गिरा, विकारों में गिरा, विकारों के अधीन हो गया, काला हो गया। अब विकारों से मुक्त हो गया तो गोरा हो गया। इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। कृष्ण सुंदर भी है और श्याम भी है। परंतु कोई भी नहीं जानता, ये साक्षात्कार हमें कराना है कि वो गोरा कैसे बनता है और काला
कैसे बनता है, कब काला होता है, जब वो काली देह पतित देह में जाता है, पतित शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है कि नहीं? कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, लक्ष्मी नारायण का भी परिचय कराओ उनको कि लक्ष्मी नारायण कहां से आए, इनके माता पिता कौन थे, इनकी शादी कैसे हुई। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ मन सदगति हो गई, ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ इशारा मिलता है, यहां जाओ आगे चल, बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा, तुम्हारा त्रिमूर्ति जो चित्र है अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनना पड़ेगा। ज्ञान मिलेगा, जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जागते हुए स्वप्न देखा, ये अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। विष्णु का साक्षात्कार कैसे हुआ अर्जुन को, दुनिया वाली गीता में दिखाया है कि अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए विष्णु ने या कृष्ण ने कहो अपना विराट रूप दिखाया। बाकी अर्जुन को कोई विनाश का और साक्षात्कार हुआ था? ब्रह्मा बाबा को हुआ था। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ, बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थाई तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार क्या है, मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है, कमल का फूल पवित्र रहने को कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है,
बाप उपाय बताते हैं, माम एकम याद करो, केवल मुझ शिव बाबा को याद करो और किसी का कहना नहीं मानो। माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री मत पर चलकर पतित बापावन बाप को याद करो, दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। ओम शांति। बाप को पतित पावन क्यों कहते हैं भाई जी? क्योंकि बाबा आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनका नाम रखा है। जबकि बाबा तो पावन ही है, पतित नहीं है ना। हाँ, हम पतितों को आकर पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्मा तो परम धाम जा नहीं सकती, जा नहीं सकती। क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में या स्वर्ग में नहीं जा सकती है। बाप कहते हैं पवित्र बनना ही है, बनना ही है तो मुझे याद करो। याद से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूं। कौन गारंटी कर रहा है? बाबा। याद से तुम्हारे पाप करते जाएंगे ये मैं गारंटी करता हूं। बोलते हैं हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं, बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो, बस नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं की भी वो भी दिल होती है कि हम ब्रह्मा भोजन खाएं। ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। कहां कहां लगता है ब्राह्मणों और देवताओं का मेला? सूक्ष्म बतन में, नीचे से एक चना भी, एक दाल का कतरा भी, एक चावल भी, ताकत नहीं है सूक्ष्म बतन में जाने वाली कि वो ले जावे। गा देते ले चल उड़ कई मैं थाली लेकर बतन में खाते रहे, थाली वही कभी रखी रहती, हाथ में भी नहीं पकड़ती। सूक्ष्म शरीर के हाथ में भी थाली चली जाती, वही रखी रहती है थाली। तो
सपने में जैसे हम पेट भर के खाना खा के आ जाते हैं, सो भी रस पी के आ जाते हैं सूक्ष्म मतन से, ऐसे ही सबका पेट फुल। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं। वे है हद के सन्यासी, कहते हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा। हमने क्या क्या छोड़ दिया? घर बार मिल्कियत सब छोड़ दिया, फिर क्या है? फिर भी हद के सन्यासी। फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, तीन को याद करना। बाप और शांति धाम और सुख धाम, तीन को याद करना है। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य वंशी, फिर शूद्र वंशी बने। वे लोग फिर कहते आत्मा सो, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगती। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। कौन कहते हैं? भक्त। भक्त कहते हैं, परमात्मा आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। परमात्मा आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं, ये उन्हों का उल्टा अर्थ है। क्या परमात्मा आत्मा नहीं है? हाँ है भाई जी, आत्मा है। पर आत्मा परमात्मा नहीं होता ना। आत्मा दोनों अलग अलग आत्मा ही है। क्यों? सुप्रीम है, परम है, सुप्रीम है, वो सुख में नहीं आता। सुप्रीम आत्मा भाई जी, परम आत्मा, परम आत्मा सुप्रीम आत्मा है। है वो भी आत्मा, हम आत्मा और परम आत्मा, चाहे पाप आत्मा, चाहे दुष्ट आत्मा, चाहे देव आत्मा, चाहे धर्म आत्मा, कोई भी आत्मा है, सभी का साइज बराबर है, रूप बराबर है। गुणों में अंतर है। गुणों में अंतर है। परमात्मा सर्व गुण संपन्न है, बाकी आत्माएं
यथाशक्ति। ये भी उलोक का उल्टा अर्थ है। बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं, बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमात्मा की संतान हो, हम आत्मा परम आत्मा की संतान हूं, पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे। ये लाइन भी भक्ति मार्ग की है। ज्ञान मार्ग के अनुसार हम नहीं कह सकते कि हम परमात्मा की संतान हैं। कह सकते? कह सकते हैं भाई जी। कैसे? परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया, हमें परमात्मा ने अडॉप्ट किया है, पैदा नहीं किया। वो हमारा बाप नहीं है, हमने बाप को अडॉप्ट किया है, बाप ने हमें अडॉप्ट किया है, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। अब हम जितना बनेंगे, जितना उनका कहना मानेंगे, उतना बन जाएंगे। हम उनको धर्म का पिता कह सकते हैं? कह सकते हैं, कह सकते हैं। हम उनको भाई भी कह सकते हैं। वो हमारा धर्म के पिता, हम उनके धर्म पुत्र हैं। वो हमारा धर्म का पिता भी है, धर्म का भाई भी है, धर्म की बहन भी है, धर्म का गुरु भी है, धर्म का टीचर भी है, सारे रिश्ते हैं। मान लेते हैं ना? नहीं भाई, माना हुआ नहीं। नहीं भाई, हमारा जो गोद लेते हैं ना, गोद लेते हैं तो ऐसे उसको ऐसे बोलते हैं, भाई मेरा पिता तो नहीं, मैं गोद लिया हुआ है, मैं उसके गोद गया हूँ, तो उसको माना हुआ पिता बोल देते, धर्म का पिता भी बोल देते हैं। ऐसे मेरा धर्म का पुत्र है मेरा, ऐसे नहीं बोलते मेरा पुत्र धर्म का पुत्र है, दत्तक पुत्र भी बोल देते हैं उसको। परंतु रिश्ते को निभाते हैं ना? हाँ, रिश्ता निभाते हैं। जब रिश्ता निभाया जाता है तो वो रिश्ता कहलाता है। हाँ। अब ऐसे किसी को रिश्ते का नाम तो होता है कौन कोई? जब हम निभाएंगे तब वो रिश्ता बन जाएगा। हाँ। खाली कहना और निभाना दोनों में बड़ा अंतर है। जब हम परमात्मा का पिता के रूप में कहना मान रहे हैं तो हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा बाप है। खाली कहना, अब जैसे हमारे को हमें कहा गया राम की मूर्ति ये भगवान है, हमने राम की मूर्ति को भगवान मान लिया, वो तो हमने उसके साथ क्या अपना संबंध निभाया? हमने उनको भगवान माना तो क्या हमने उनका कोई कहना माना? ना उसका तो हम कोई कहना मानते, उसका कहना तो हम,
वो कोई कहना, वो कोई कहना बताने वाला नहीं, वो कहना देने ज्ञान देने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं, उसका क्या मानेंगे? वो तो मूर्ति है भाई जी, वो तो खाली। इसी प्रकार से हमने पड़ोसी को कह दिया भी आपके पिता है, हमने मान लिया वो पिता है, पर तो वो अपनी जायदाद में से एक रुपया मुझे देने वाला नहीं है। मैं उसे रोज करता रहूं, पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, रोजाना करूं सवेरे भी और शाम को भी। वो भी कहेगा बेटा नमस्ते, बेटा नमस्ते, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, कहेगा सबके सामने कहेगा, रोजाना मेरे को बहुत प्यार से रिस्पेक्ट करता है मेरी। परंतु उसके दिल में कभी नहीं आएगा कि मेरे चार बच्चे हैं तो एक हिस्सा इसको भी दे दूं, पांचवा हिस्सा, कभी नहीं आएगा। रिश्ता निभाया नहीं हमने। जब रिश्ता निभाया जाता है तो फिर रिश्ता हो जाता है वो। अब कोई बच्चा आपके घर पैदा हो गया, आपके घर पैदा हो गया, परंतु वो रिश्ता आपके साथ नहीं निभाता, कारण कुछ भी हो सकता है कि वो किसी और के पास चला गया, ठीक है कि नहीं, या उसके विचार अलग हो गए। अब वो आपको बाप का दर्जा नहीं देता, उसको आप कहते रहो मेरा बेटा है। जब रिश्ता है, रिश्ता निभाया जाता है तो रिश्ता होता है। इसलिए बाबा कहते मैं एक ऐसा हूं जो मैं तुम्हारे साथ हर रिश्ता निभा सकता हूं, तुम निभाने वाले बनो। यही एक संगम युग है। मैं अशरीरी परमात्मा, तुम अशरीरी आत्माओं के साथ सर्व संबंध निभाता, दे के नहीं। तुम्हें संसार की मां चाहिए तो मेरे पास आओ, पत्नी चाहिए तो मेरे पास आओ, पति चाहिए तो मेरे पास आओ, बेटा चाहिए तो मेरे पास आओ, कुछ भी तुम्हें संसार का कोई भी चाहिए मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आने के बाद याद रखना, कहना तुमको मानना है, मेरे को नहीं मानना। तुमने मेरी मत पर चलना है, मैंने तुम्हारी मत पर नहीं चलना है। तो ये इस प्रकार से परमात्मा के साथ जब हम रिश्ता निभा रहे हैं, पिता वाला, पति वाला, साजन वाला, सजनी वाला, दास वाला, नौकरानी वाला, कोई भी, बाबा को नौकर बना लो, बाबा तैयार बैठा है नौकर बनने के लिए, परंतु क्या करना है, कहना आपको मानना है। बच्चा कैसे बाप का कहना मानता है ऐसे आपको मानना है। बाप बना लो आप कृष्ण को, बाबा को बच्चा बना लो, जो बाप बच्चा कहे वो बाप को कहना मानना है, तो भी बाप को ये कहना मानना। यही एक समय है कि हम सारे संबंधों का आनंद ले सकते हैं। अब लेना भी सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। पहले पहले हम स्वर्गवासी थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य वंशी शूद्र विकारी बने, अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहां बैठे हैं, जैसे कि 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं, 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं।
ये बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते थे, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम, तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। क्या राय देते हो? सबको राय देते हो, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल लात इकट्ठा, ये क्या बला होती है? होल लात क्या होता है भाई? ये होल लात समूह के तौर पर, होल लात समूह के तौर पे, और बच्चे जाएंगे बाबा के थोड़े होटल में, सभी जाएंगे भाई जी। हाँ सारे जाएंगे, जाएंगे इकट्ठा लगा दिया है, होल लात इकट्ठा, सारा का सारा आत्माओं का एक साथ झाड़ जाएगा, और वो भी एक सेकंड में। किसी को डाउट हो तो पूछे, कैसे हो सकता है? यदि मुझे डाउट हो जाए तो मुझे मेरा डाउट कौन दूर करेगा? जी बाबा, आप में से तो कोई डाउट दूर नहीं कर सकता ना, आप हमारा डाउट पूरा करते हो भाई जी। नहीं, अब मेरे को डाउट हो गया है कि पता नहीं सारे कैसे जाते होंगे, तो मतलब मेरे को तो डाउट दूर करो ना। ब्रह्मा का अंतिम सेकंड, सबका अंतिम सेकंड, शरीर छोड़ा चले गए भाई जी। हाँ जी, क्वेश्चन करो भाई जी। तो आप क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी आत्माएं, बाबा कहते हैं होल लाट, जितनी आत्माओं को हम देख तक नहीं सकते, सारी एक सेकंड में कैसे चली जाएंगी? ये तो भाई जी बाबा बता रहे हैं तो जाएंगी भाई। हाँ जी, सबका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, चले जाएंगे, सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। सबका हिसाब किताब एक साथ बराबर हो सकता है क्या? हाँ बाबा कह रहे हैं तो पता होगा, चल रहे हैं जी भाई से, ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो गया है। नहीं मतलब ये हमारे पहले हमारी गले में उतर जाए ना, फिर हम दूसरे को समझा सकेंगे ना, इसलिए। क्या सबका हिसाब किताब एक साथ बराबर हो सकता है? पंद्रह कपड़े डालो तो एक सेकंड में सूख जाएंगे। यदि एक कपड़ा एक मिनट में सूखता है तो 15 कपड़े एक मिनट में ही सूखेंगे, एक अरब कपड़े डालेंगे तो भी एक मिनट में सूखेंगे। फिर हिसाब किताब सबका एक साथ बराबर नहीं होता तो फिर तो सारे जा ही नहीं सकते। सबका हिसाब किताब, मेरा हिसाब किताब यदि 10 के साथ है और 10 भी मेरा हिसाब बराबर नहीं हो रहा, वो 10 भी मेरे काम में रुके रहेंगे। तो मेरा हिसाब किताब बराबर हुआ है तो उसका भी, जिसके साथ मेरा हिसाब किताब है उसके साथ भी बराबर हुआ। तो सबका हिसाब किताब एक ही सेकेंड में एक साथ बराबर होता है।
तभी सभी आत्माएं एक साथ घर जाती। वो घर कहां है भाई? वो हमारी अवस्था है, जहां हमें सोने को जगह मिल गई, छुट्टी हो गई हमारी ड्रामा से, हम वहीं सो जाएंगे। भाई जी, मुरली में तो बताया था कि कुछ आत्माएं बच जाती हैं। आत्माएं नहीं बचती हैं, आत्माओं के शरीर बचते हैं, शरीर सुरक्षित। आत्माएं तो कभी मरती नहीं है। आत्माओं के बचने का ना बचने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। आत्माओं का मतलब है शरीर, मतलब शरीर के धारण किए हुए आत्मा कुछ बच जाती है, बाकी सब आत्माएं ऊपर चली जाती है। परंतु नहीं, ये अभी अभी सुनो सुनो, वो आया था कि परम धाम कभी खाली नहीं होता और स्थूल वतन भी कभी खाली नहीं होता, ऐसे ऐसे आया था। हाँ, ये लाइन है। हाँ, क्योंकि परम धाम कभी भी खाली नहीं होता, वहां बाबा हमेशा बैठा रहता है। यहां पढ़ाने आ जाता है तो भी परम धाम में रहता है वो, तो उसका शरीर है ही नहीं। बाबा कहते ना मुझे याद करना है, तब भी परम धाम में याद करो। और हमारे शरीर, हमारे चालू शरीर हम छोड़ करके जाते हैं यहां पर, इसलिए ये दुनिया भी खाली नहीं होती। क्योंकि यहाँ शरीर रहेंगे, जहाँ आत्मा रहने चाहिए वहाँ बाबा रहता है, तो खाली नहीं होता। तो हमारे पास एकदम जवाब होना चाहिए, ताकि हम उनको तुरंत जवाब दे सके। कार्मिक अकाउंट हर एक का एक दूसरे के साथ एक सेकंड में ही बराबर होता है, और हमें परम धाम जाने में वही सेकंड ही लगता है, क्योंकि अब हमारा किसी के साथ कुछ लेना देना बाकी है ही नहीं। हमारे संकल्प एकदम शांत हो जाते हैं। संकल्प आता ही नहीं आगे, कुछ किसी से लेना हो, देना हो, मिलना हो, जुलना हो, कुछ करना हो तो संकल्प आवे। अब हमारा किसी भी आत्मा के साथ कुछ लेना देना बाकी नहीं रहा, तो हम ऑटोमेटिक संकल्प शून्य हो जाते हैं, परम अवस्था में हो जाते हैं। तो भाई जी, बाबा ऐसे क्यों ऐसे कहते हैं कि अंतमति से गति? अंतमति से तो गति होनी है ना भाई। अब अंत में आपकी अवस्था जो होगी वही तो आपकी मेरिट लिस्ट है। अच्छा, अब लास्ट में 80 नंबर वाले हैं, 70 वाले हैं, 100 वाले हैं, 5 वाले हैं, 2 वाले हैं, आपकी जो उस समय जो मेरिट जो अवस्था होगी वही तो आपकी रिजल्ट है। हमने लास्ट में कितना अपने को सुधारा उसी बस वही आपकी अवस्था है। पेपर लिया और आप उस अवस्था में आ गए, वही अवस्था रह गई। पेपर तो होना ही है ना, चाहे कोई आपको सुख दे रहा होगा तो भी सुख में भी आपका पेपर हो सकता है, तो दुख में भी आपका पेपर हो सकता है। पेपर किसी भी रूप में हो सकता है, तो पेपर में अवस्था डिसाइड होनी है। जो अवस्था हर टाइम पेपर सही लगता है, हर टाइम पेपर है, जिसको ये याद रहता है और वो हर पेपर को पास करने का हैबिचुअल बन जाता है, वही अंतिम पेपर में पास हो सकेगा। अंतिम पेपर ये शरीर छोड़ने वाला ही होगा क्या? मतलब शरीर सुरक्षित होके रहेंगे? शरीर से हिसाब किताब बराबर हुआ, फिर शरीर में रहकर क्या करेंगे? आखिरी एक्ट हां जी, अंतिम पेपर यही है कि जिनके शरीर सुरक्षित रहेंगे वो पास होंगे, उनके रहेंगे भाई जी। नहीं नहीं, वो तो समझ नहीं, शरीर छोड़ना, जिन्होंने शरीर छोड़ना है ना, उनका तो पहले से पेपर बाबा ने मुरली में बड़ी अच्छी तरह बताया है कि वो बाबा की याद में बैठे बैठे शरीर से अलग हो जाएंगे, उनको कोई पेपर नहीं देना, वो तो तैयार हो चुके हैं, उनका पेपर कोई नहीं होगा, उन्होंने किसी और के साथ हिसाब किताब रखा ही नहीं उन्होंने,
उनके औरों के साथ हिसाब किताब पहले ही बराबर, वो तो बाबा की याद में बैठे बैठे। मुरली में बड़ा अच्छी तरह क्लियर मुझे लाइन वो दिखाई दे रही है कि एकदम बाबा ने कहा बस याद में बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। उनको उनको किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर नहीं होगा उनका। वो आपने संपूर्ण बन चुकी है ना भाई? हाँ वो संपूर्ण बन चुकी है भाई। जिन जो 100% है उनका क्या पेपर लेना है? और किसी का थोड़ा थोड़ा हो सकता है तो वो थोड़ा थोड़ा देंगे। बाबा ने कहा 8 को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा उनके लिए, तो बाबा वेलकम करेंगे, बाकियों को थोड़ा ठका ठुका होगा। ठका ठुका यही होना है, संकल्प चल गया कोई ना कोई। अब कितना लेवल का संकल्प चलता है लास्ट में, किस प्रकार का संकल्प चलता है, वो हर एक का अपना पेपर है। सत्य में तो बहुत होता है, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक ही है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वो भगवान बन जाते हैं, सन्यासी जाके बैठ गए बन करके, भक्तों ने जाके उसको भगवान बना दिया। फिर बड़े बड़े सौकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना, हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वे धर्म ही प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है, गंदी नजर जाती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये ब्रिकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर बैठती है, परंतु ये तख्त विनाशी है, ये मिट्टी का पुतला है। सारा पार्ट आत्मा में भरा है ना कि शरीर में। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो
हम आए थे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं, बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। यहां तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं, बाहर तो आने के टाइम ही नहीं मिलता। वहां तो दुख का नाम नहीं होता, कहां नहीं होता दुख का नाम, सत्युग सुख धाम में। उनको कहा जाता है सुख धाम, राम राज्य, और ये है दुख धाम, रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं, सतयुग में रावण होता ही नहीं। तो ये 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवानों वाच है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, तुम्हारा सच्चा खुदा दोस्त वो है अल्लाह। अवल दीन का नाटक, हातम ताई का नाटक, सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते, बच्चे कम पैदा हो, बेद का बाप कितना काम कर देते हैं, कितना काम कर देते हैं बेद का बाप, 9 अरब को सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती, डिक्लेयर करें बाबा, 9 अरब, अब 9 अरब है ना, तो वहां सिर्फ 9 लाख होगी। ये 9 अरब मैं बोल रहा हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है, 8 लाख लिखा हुआ, हाँ 9 लाख तो लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि अरब 8 अरब से प्लस चल रही है जनसंख्या, तो तब तक 9 अरब हो जाएगी जब तक परिवर्तन होगा। तो हम उसको मान लेते हैं कि 9 अरब से जनसंख्या कितनी रह जाएगी, सिर्फ 9 लाख आबादी रह जाएगी। कितनी बढ़िया फैमिली प्लानिंग करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को बता दो बाबा, कई बार कहते हैं तो तुम क्या फैमिली प्लानिंग करते हैं। फैमिली मेरी है, प्लानिंग मैं करूंगा या तुम करोगे, तुम्हारे ये फैमिली प्लानिंग के तरीके कामयाब नहीं होने। बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं, इतने सारी आत्माएं कहां चली जाती हैं, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। तो 9 लाख रह जाएंगे या 9 लाख जाके आएंगे, जाके आएंगे, इनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, 108 के रहेंगे शायद। हाँ, मतलब कहने का कि 9 लाख शुरू में हो जाएंगे, जब वो आएंगे आकर के आगे बच्चों को जन्म देंगे धीरे धीरे, नहीं 9 लाख अंत तक, तो 2 करोड़ है, सतयुग का जो युग है, सतयुग जब पूरा होता है तब 2 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। वो शुरू में 9 लाख बताते हैं ना, सतयुग के अंत में 2 करोड़ नहीं आती है, शुरुआत में 9 लाख आत्माएं होंगी उनके सामने, श्री कृष्ण का वो होगा ना अजब से, नहीं मेरे में 9 लाख तो अभी बाबा ने भी कहा है 9 लाख,
अभी बाबा कह रहे हैं कि 9 लाख कहां 9 अरब, मतलब 8 अरब प्लस जनसंख्या है, 9 अरब मैं बोल रहा हूं कि कहां इतनी सारी करोड़ों की आबादी और उसमें सिर्फ 9 लाख ही रहेंगे। नौ लाख आबादी रह जाती है। नौ लाख के 84 जन्म होंगे, 84 जन्म होते हैं जो 150 वर्ष के अंदर अंदर आ जाते होंगे। ठीक बात है, ऐसा ही लगता है। 9 लाख एडवांस स्टेज की आत्माएं होंगी ना? एडवांस स्टेज की नहीं, 9 लाख आत्माएं पहले जन्म में आ जाएंगी। पहले 150 साल में 9 लाख हो जाएंगी। बाकी सच क्या? बहन अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। नहीं, हम अपना ये अनुमान लगा रहे हैं हमारा, बाकी जो भी है वो बाबा ने कोई क्लियर राज नहीं खोला है, क्योंकि बाबा ने तो 150 साल के अंदर अंदर 9 लाख हो जाएंगे। हाँ, इतना हम समझ सकते हैं, परंतु यदि मेरी इस मुरली को कोई ऐसा भाई सुन रहा होगा जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, वो कहेगा 150 साल में कैसे हो जाएंगे, 60 साल में जाके वो संकल्प करेंगे 2 बच्चे होंगे, कैसे करेंगे? वो फटाफट कैलकुलेट करके मेरे पास भेज देते हैं कि इतने बच्चे होंगे। कैलकुलेशन वो करने वाले जो हिसाब किताब वाले ना, जिनका मैथ ज्यादा चलता है दिमाग, वो तुरंत बता देंगे। हाँ जी, आदि में करीब 16,000 आत्मा आएंगी, 16,000 एक साथ। मैं 16,000 भी आ गई तो 16,000 भी देखो, 16,000 भी आए, आते ही मान लो वो 35-40 साल के थे और उन्होंने 30-35 साल के थे, उन्होंने आते ही मान लो बच्चे को जन्म दिया, 30-35 साल में यदि वो दो दो बच्चों को जन्म दे देते हैं 2 साल के अंदर, तो उनके बच्चे भी 30-35-40 साल में आकर 2 बच्चों को जन्म देने वाले बन जाएंगे। अब उन्होंने तो दूसरे बच्चे जन्म देने नहीं। जी बाबा ने तो कहा था ना कि 60-65 की उम्र में उनके बच्चे। मैं वही बता रहा हूँ भाई, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे लक्ष्मी नारायण आए 30-35 साल के अंदर आए, यहाँ आए तो 30-35 साल में वो यदि सक्षम है, और यदि वो उस समय आते ही पहले ही 2 साल के अंदर 2 बच्चों को जन्म दे देते हैं, 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर वो अपनी जनसंख्या को ट्रिपल कर लेते हैं, मतलब जितने वो खुद है डबल कर देते हैं, क्योंकि हम दो हमारे दो, उन्होंने अपने 2 बच्चे पैदा कर दिए। अब उन्होंने तो अब मरने तक और बच्चे पैदा नहीं करने ना, नहीं होगा भाई, इतनी जनसंख्या हो ही नहीं सकती। और उसके बाद उनके बच्चे 30-35-40 साल के होंगे, तब वो 2 बच्चों को जन्म देंगे। उसके 30-35 साल के बाद वो 2 बच्चों को जन्म देंगे, तो भी 150 साल के अंदर 3 पीढ़ियां आ जाएंगी। यदि कोई चौथी पीढ़ी भी ला सकता हो तो मैं नहीं कह सकता। तो मतलब मेरा कहने का है कि 3 पीढ़ी आ जाएंगी, मतलब जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 150 साल वाले हैं वो बैठे तो है ना, वो चले तो ना गए हैं। समझ गए मेरी बात को? पर तो एक्चुअल में कितनी होगी, कैसे होगा, ये हम अपनी बुद्धि से निकाल देवे, मतलब ये समझ ले में ठीक है, जैसे बाबा ने करना होगा ड्रामानुसार। 9 लाख भी पहले आने हैं तो उनको जन्म देने वाले 18 लाख पेरेंट्स चाहिए, अब भी जो निर्विकारी संतान को जन्म दे। वो तो संगम पर चाहिए, वो तो संगम पर चाहिए यदि वो 9 लाख, और नहीं तो आने की स्पीड में कोई और ज्यादा मात्रा में करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। 60-65 में करते हैं तो फिर तो 2 करोड़ हो ही नहीं सकते 1250 साल। वो मेरे पास कैलकुलेट करके भेज दिया भाइयों ने। हाँ
भाई जी सत्यु और लंबा चलेगा, ये संगम युग और लंबा चलेगा, और लंबा नहीं चलता, नहीं चलेगा फिर बाबा के गुरु की गोद पे जाने। हाँ गुड़ जाने और गुड़ की गुड़ गंगा बाबा कोई वो पहले हुआ, उसने बताया कि 5079 में पृथ्वी का विनाश होगा, इससे पहले नहीं होगा, इससे बताया उसने। वो काफी सारे भविष्यवाणियां करता है वो, तो फिर की हुई उसके पहले से वो उसकी सटीक चल रही है भाई। किसकी सटीक चल रही है, बाबा सटीक है या कोई दुनिया वाला मनुष्य सटीक है? लेकिन निस्त्राद्रम में ऐसे करके कोई है वो करता है, उसकी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन गंगा बाबा बता रहे हैं ज्यादा वो। सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे, यही तो करामात की बात है। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है, ये है स्वदर्शन चक्र, बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं कटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है, सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, ये भी ग्लानी हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल अहिंसक बनते हो, काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से, जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते? साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है, बाबा तो समझाते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ, तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई भी बात होती ही नहीं, प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी सौकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने क्या बात कर दिया, नई बात बताइए, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। हाँ सबसे सत्य कोई बात नहीं, हाँ दुख नहीं होता उनके पास, दुख नहीं है, सोने की चिड़िया उसमें गरीब होंगे, सतयुग में सारे सुखी होंगे, चाहे वो दास दासियां नौकर चाकर गुलाम कुछ भी होंगे, गरीब होंगे वहां पर, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, हर प्रकार के होंगे, चार बताते हैं सब कुछ चार, हाँ जी बाकी चार मतलब बहुत बेट सुमार वहां पर तो है सब सोना चांदी सब, ऐसा है कि वहां सभी एक जैसे नहीं हो सकते, और उनके अंदर ऑटोमेटिक पवित्र बने हैं वो, परंतु उन्होंने यहाँ पवित्र बनकर सेवाएं ली है। मैं उन एग्जांपल लेने के लिए उन दीदियों को मैं इसमें कॉमन कर रहा हूं कि जो भाई बहनों से पवित्र तो बनी है, पवित्र बनाया भी भूतों को है, परंतु उन्होंने उनसे सेवाएं ले ली है, उन्हें फिर वहां आकर सेवाएं देनी पड़ेंगी, सुखी तो रहेंगी, दिल से सेवा करेंगे, जैसे मां बच्चे की सेवा करती है ऐसे ही दास दासियां नौकर चाकर भी दिल से सेवा करेंगे, उनके बुद्धि में रोना नहीं होगा, आए मैं नौकर बना हूं ये मालिक बना, नहीं, यहां मां फिर भी रो लेती है,
नपुता ऐसा पैदा हो गया, नींद नहीं करने देता, काम नहीं करने देता, खाने नहीं देता, जिस टाइम खाने बैठो उसी टाइम गंद कर देता है, रोना शुरू कर देती है माँ। मैंने तो कई माँ को देखा बच्चे को मार डालती है, तंग आ जाती है इतनी, मार डालती है, थप्पड़ मारना अलग, बिल्कुल मार डाला कि छोड़ इस मुसीबत को, रोज रोज की नींद खराब कर रखी है इसने। ऐसे भी है भाई जी? हाँ, फिर फोन करके कहते हैं भाई जी क्या करे, गुस्सा बहुत आ गया था, अब कैसे पाप से मुक्ति पाऊं। आपको फोन करके कहते हैं? हाँ, नंबर तो वायरल है ना, हर एक दुखी आत्मा अपने पूछते, अभी ये महात्मा जी है, कोई गुरु जी है, गुरु जी बताओ हमारा क्या होगा, हमने ये कसम खा ली है। उनके लिए तो बेचारों को क्या पता कि मैं वो क्या हूँ, उनके दिमाग में तो यही रहता है ना कि भी इन्होंने वीडियो बना के डाले हुआ है तो ये तो कुछ बहुत बड़ी चीज होंगे ना, भगवान की बातें करते हैं। तो बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। नंबर 2, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है, ये अभ्यास। हाँ जी, वरदान, सारे शक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव, जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन, सच्चे वैष्णव वे हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं, छूते भी नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।